कुमार नेपाल जी मंच पे बैठे हुए नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन के वरिष्ठ नेतागण और बड़े आंदोलन का नेतृत्व जो दिया और ऑडियंस में भी बहुत सारे मित्र को देख रहा हूँ जिनके साथ मिलकर यहाँ पर हमारी एकजुटता तब जताने के लिए जो हमारा फर्ज बनता एक कम्युनिस्ट होने के नाते आपके आंदोलनों से इसलिए हम आए तो मदद किया मैंने ये मेहरबान किया वो बात नहीं है ये एक ना मेहरबानी है ना मदद है हम मानते हैं ये हमारा फर्ज है जैसे आपका फर्ज है जब हम दिक्कत में है तो आपको हमारे साथ आना है आप जब ज़रूरत हो तो हम आपके साथ आए हैं तो ये एक रुकता है हमारी और ये कम्युनिस्ट सॉलिडारिटी जो अपने दोनों के बीच में है वो एक आने वाले दिनों में और मजबूत होगी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कॉमरेड पुष्पाल फाउंडेशन की तरफ से मीटिंग आयोजित किया गया अभी कॉमरेड माधव नेपाल ने हमें पूछ रहे थे हमसे कि नेपाली समझते हो क्या तो मैंने कहा अभी तक तो आपने सिखा ही दिया बहुत कुछ तो उन्होंने कहा हम दोनों पार्टियों के बीच में कम्युनिस्ट नेपाल के और भारत के दोनों के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं बहुत ही पुराने संबंध और कॉमरेड पुष्पाल जो जब भारत में थे मतलब उनकी और सहना जी की शादी भी वहीं पर हुई वहीं पे करवाई गई थी उस समय जब रानाशाही में यहाँ पे आना ही मुश्किल था तो वो संबंध उस समय जैसे जज्बाती संबंध है विचारधारात्मक संबंध है सिद्धांतिक संबंध है और ये संबंध हम समझते हैं कि अटूट है और ये आने वाले दिनों में जैसे मैं कह रहा था और मजबूत होंगे लेकिन पहली बात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और भारत के सभी कम्युनिस्टों की तरफ से मैं आपको और आप सभी कम्युनिस्टों को नेपाल में हमारी क्रांतिकारी बधाई और क्रांतिकारी सलामी देना चाहते हैं कि आपने पहली बार पूरे दुनिया में एक जनतांत्रिक चुनावों के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी की पूरे देश के अंदर सरकार बना और उसके बाद जो यूनिफिकेशन आपने किया पार्टी दोनों मुख्य पार्टियों का ये एक बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है जो पूरे दुनिया के कम्युनिस्टों को पूरे दुनिया के कम्युनिस्टों को प्रोत्साहन करता है और ये हम समझते हैं कि आपको बधाई से ज़्यादा सलामी की मतलब आवश्यकता है क्रांतिकारी सलामी आप सभी लोगों को कि ये आपने हासिल किया ये हमारे लिए भी भारत के अंदर भी बहुत प्रोत्साहन की बात है हमसे कहा गया कि भारत की कम्युनिस्ट आंदोलन के अनुभवों के बारे में कुछ बताया जाए कॉमरेड माधव नेपाल ने खुद बताया कि 93 ईयर्स का हिस्ट्री है सही ढंग से अगर देखें आप तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1920 में ताशकंद में तो अब 98 ईयर्स का और वो भी सही है डेट जो माधव जी ने बताया क्योंकि वो 5 साल लगे 1920 के बाद जो अलग अलग प्रांतों में कम्युनिस्ट जो काम कर रहे थे सबको जोड़कर एक संयुक्त तरीके से कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस एक बुलाकर पहली कन्वेंशन वो कानपुर में हुई थी 1925 में अगर उसको डेट माने तो माधव जी करेक्ट है ताशकंद का डेट मानो तो 98 ईयर्स है अब जो भी है मतलब बहुत लंबा है कि और कभी कभी हमें भी शर्म आती है कि हमारे 1920 का अगर डेट ही लें तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में बनी और क्रांति होकर उनको 70 साल होने वाले और हम वही के वही है तो इससे जो है अपने अनुभवों के बारे में भी बहुत कुछ इसे खुद से हमें सीखना होगा लेकिन हमारे अनुभवों के बारे में अगर आप देखें तो कई सारे फेजेस दिशाएं हैं पहला था जब ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश के गुलाम थे कई सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस डालकर कम्युनिस्ट के आंदोलन को खत्म करने की कोशिश जब बहुत छोटा था कम्युनिस्ट आंदोलन तब भी यही था कि ये बोल्शेविक नाम देते थे वो मीरठ बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस इस तरह के केसेस करके हमको खत्म करने की प्रयास बढ़ने से पहले ही खत्म करने की प्रयास थी बहुत बड़ी लड़ाइयाँ बहुत बड़ी रिप्रेशन हुई उस दशक में फिर आया कॉमरेड लेनिन का कॉलोनियल थीसिस जहाँ पर उन्होंने जोड़ा कि नेशनल लिबरेशन मूवमेंट जो हो रहे हैं कॉलोनीज के अंदर और इसके साथ समाजवाद की जो संघर्ष है जो सोवियत रूस की स्थापना जब हो गई थी उसके बाद उसके साथ जोड़कर देखना है और सोवियत रूस जो है समर्थन देगी हर नेशनल लिबरेशन मूवमेंट को हर इंडिपेंडेंस मूवमेंट को और उसके चलते हुए संबंध कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत यूनियन के साथ और बाकी सभी कम्युनिस्ट पार्टियां जो बने दुनिया में उन सब के साथ ये पिछले हुए देशों में आज़ादी के लिए जो लड़ रहे हैं
उनके साथ ही संबंध बहुत मजबूत हुए और उसका असर एक बहुत बड़ी तरीके से भारत की जनता पर भी पड़ा और वहीं पर ये क्रांतिकारी आंदोलन चेतना और साथ साथ मार्क्सवाद का सिद्धांत भी विस्तार से लोगों के बीच में ले जाने की मौका हमें मिली, वो अलग किस्म के अनुभव है। तीसरा, जब आया दूसरा विश्व युद्ध की तैयारी में, आपके सातवीं कांग्रेस होती है कॉमिंटर्न की, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की, जहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट टैक्टिक्स की बात आती है कि फांसीवाद के खिलाफ सबको मिलकर जुड़कर लड़ना है और इस टैक्टिक्स को लेकर जो उसके आधार पर जो हमें काम करना था, भारत के अंदर भी एक और नया फेज शुरू होता है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हमारी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई, उस लड़ाई में कम्युनिस्ट भी एक गुट के रूप में शामिल हुए हैं। और आज के दिन पीछे मुड़ के अगर देखो आप तो बड़ी ताज्जुब लगती है कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स नेता लोग AICC के यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हर साल के सेशन में शामिल होते थे, रेजोल्यूशन मूव करते थे और कांग्रेस को एक क्रांतिकारी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश हुआ करते थे। वो एक जॉइंट यूनाइटेड स्ट्रगल्स की वो एक फेज रहा। अब इसके बाद जब आज़ादी की दौर आती है तब एक बहुत बड़ा हमारी एक बहुत बड़ा आम स्ट्रगल चल रही थी तेलंगाना में और उस आम स्ट्रगल से पूरे सत्ता को हासिल करने की कोशिश रहा एक ट्रेंड कम्युनिस्ट मूवमेंट में। दूसरी ओर से लोग कह रहे थे कि ये एक छोटा सा जगह है बीच में भारत के और यहाँ से दिल्ली तक पहुँच के सत्ता को हासिल करना क्रांतिकारी तरीके से हथियारों के आधार पर ये संभव नहीं है। तो ये विवाद वाद विवाद चल रहा था तो यही तय किया कि एक चार मेंबर की डेलीगेशन जाएगी कॉमरेड स्टालिन से मिलने। उन दिनों में स्टालिन के पास गए और कॉमरेड स्टालिन ने हमारे डेलीगेशन को, हम बड़े वरिष्ठ नेता थे, मतलब जिन्होंने जो बुनियाद जो बनाया था कम्युनिस्ट आंदोलन का उनमें से चार थे, तो कॉमरेड स्टालिन ने उनसे इंडिया का मैप मंगवाया और उनसे पूछा तेलंगाना कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला ये है तेलंगाना, तो बोला यहाँ से तुम दिल्ली तक जाओगे, बीच में कुछ है क्रांतिकारी आंदोलन जो आपके साथ रहेगा, कहता नहीं बीच में कुछ नहीं, तब कहता ये तो फिर आपको इंसर्कल करके खत्म कर दिया जाएगा, तो आप ये रास्ता जोड़कर इसको विड्रॉ करके शामिल हो, जनता की कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश करो। और उस तरीके से एक नया फेज शुरू होता है आज़ादी के दौर के बाद और उसके अनुभव फिर अलग। लेकिन तब आ जाती है बहुत बड़ा, दुनिया में जो चल रही थी एक बहुत बड़ा मार्क्सवादी, मार्क्सवाद के सिद्धांत में और उसके थियरी में ही एक भटकाव, जो एक बहुत भारी तरीके की भटकाव जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू होता है दुनिया के अंदर पैमाने पर। और उस भटकाव का यही मतलब सारांश अगर देख ले आप तो उसका फोकल पॉइंट जो था वो यही था कि समाजवाद के लिए जो हमें आगे बढ़ना है रास्ता, वो रास्ता जो है नए आजाद हुए देशों के शासक वर्गों के साथ मिलकर हम जो है समाजवाद की तरफ चल सकते हैं। और वो थियोरी एक्सप्लोर की गई कि बाईपासिंग द स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म को बाईपास करके अब सीधा नेशनल लिबरेशन मूवमेंट से सोशलिज्म तक पहुंच सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा मसला और विवाद बन गया था भारत की कम्युनिस्ट आंदोलन और यहाँ से चर्चाएं शुरू हुई। और ये अनुभव हम समझते हैं इसी से हम सीखे, मैं इतना लंबा छोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि इसके चलते हुए क्या हम सबक क्या सीखे, ये पूरे अनुभवों के अलग अलग दिशाओं में जो हुए हैं उससे मेन सबक सीखे कौन से है। अब ये भटकाव जब दक्षिण प्रति भटकाव जो आई, रिविजनिस्ट जो भटकाव जो कहते हैं, उसके पीछे हमारा समझ है कि एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण ये था कि हम सभी जानते हैं कि सोवियत संघ ने उस समय और रेड आर्मी सबसे ज्यादा कुर्बानियां की हिटलर और फासीवाद को हराने की, 20 मिलियन कहते हैं 2 करोड़ से ज्यादा अब सोवियत सिटीजन की मौत हुई, शहीद हुए उस जंग में। ऐसा कोई परिवार नहीं था जहां पर कोई ना कोई वहां पर शहीद नहीं हुआ। उस समय शांति की भावना बहुत मजबूती से सोवियत संघ के लोगों के अंदर बड़ी और फैली, विश्व में शांति होना चाहिए और ये शांति की भावना को बढ़ाना है तो साम्राज्यवाद वहां पे खड़ा है अमेरिका के नेतृत्व में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपका कोल्ड वॉर शुरू हो गया,
अब ऐसी परिस्थिति में वॉर और पीस के बीच में मेन कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में उन्होंने पेश किया, और वॉर और पीस के बीच में मेन कॉन्ट्रडिक्शन पेश किया, तो जो जो लोग वर्ल्ड पीस के लिए साथ है आपके, उनके साथ मिलकर हमें कोऑपरेट करना होगा, ताकि उनके साथ मिलकर हम समाजवाद की ओर भी हम पहुंच सकते हैं। अब वॉर एंड पीस के सवाल पर, पीस के साथ तो हमारे देश के आजाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, ये लोग सब वर्ल्ड पीस के हक में थे। तो सोवियत संघ का कहना था ये हमारे दोस्त हैं, तो कम्युनिस्टों का भी दोस्त है, तो हमें आपको उनके साथ मिलकर सहयोग करते हुए अपनी समाजवाद की ओर चलनी होगी। एक सेक्शन था जो बाद में सीपीआईएम बना, कम्युनिस्ट आंदोलन में, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे देश के शासक वर्ग हैं और ये शासक वर्ग यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं, और उसके चलते हुए शोषण जो बढ़ रहा है मेहनतकश जनता पे, मजदूर वर्ग पे का सर, इस शोषण के खिलाफ बिना संघर्ष किए समाजवाद की ओर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनके साथ पीस के साथ विश्व शांति के सवाल पर कोऑपरेट कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन विश्व शांति के नाम पर उनके साथ हाथ मिलाकर सहयोगी के रूप में काम करें तो क्रांति आगे बढ़ेगी नहीं, क्रांति पीछे हटेगी, क्योंकि शासक वर्ग ही मजबूत होंगे। तो यहां पे सवाल क्या उनसे आ गया कि कौन है देश का शासक वर्ग, उसकी चरित्र क्या है, कैरेक्टर क्या है, और उसके आधार पर क्रांति कैसे होगी। जो वर्ल्ड पीस वाली जो आर्ग्यूमेंट थी, इसको इसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अगर देखें आप, तो दुनिया के अंदर जो अंतर्विरोध है, मुख्य अंतर्विरोध, उन अंतर्विरोधों के साथ जोड़कर देखें तो ये डिविएशन की समझ जो हमने बाद में सीखा, मतलब इसकी एनालिसिस करते हुए, जिसकी समझ जो है स्पष्ट होती है। चार मुख्य कॉन्ट्रडिक्शन से दुनिया के अंदर, ये सभी कम्युनिस्ट पार्टी ने माना 1960-61 में और आज भी मानते हैं ज्यादातर, और ये चार हैं दुनिया में साम्राज्यवाद समाजवाद के बीच में, पूंजी और श्रम के बीच में, कैपिटल और लेबर के बीच में, साम्राज्यवाद और पिछड़े हुए देशों के बीच में, और साम्राज्यवादी देशों के ही बीच में। ये चार मुख्य अंतर्विरोध है जिनके जिनके आधार पर दुनिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। अब ये चारों मुख्य है, चारों में से केंद्रीय ये कौन सी अंतर्विरोध है, केंद्रीय अंतर्विरोध है समाजवाद और साम्राज्यवाद के बीच में, क्योंकि दुनिया के अंदर सोवियत संघ, सोवियत क्रांति के बाद दुनिया के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था से बदलकर समाजवाद की ओर बहुत दिशा शुरू हो गई, और ये है मेन, अब इन सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन, मेन तो चारों है, सेंट्रल ये है, लेकिन ये चारों कॉन्ट्रडिक्शन किस तरीके से उभर कर आते हैं उससे निर्भर होता है कि किसी भी एक पॉइंट पर हिस्ट्री में कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन है जो दुनिया का फोकस बनता है। जैसे वियतनाम के लिबरेशन के समय पर इंपीरियलिज्म और थर्ड वर्ल्ड के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो फोकल कॉन्ट्रडिक्शन में आ गया, फोकस में आया। तो अब ये चारों मेन कॉन्ट्रडिक्शन है, इसमें से एक सेंट्रल है इंपीरियलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, और इन चारों में से कोई भी फोकल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट। अब यहां पर गड़बड़ कैसे आती है, जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन को ही फोकल कॉन्ट्रडिक्शन बना दोगे, जैसे सोवियत संघ ने बनाया था इंपीरियलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, यानी वॉर वर्सेस पीस। वॉर वर्सेस पीस के लिए पीस के साथ जो जुड़े हुए हैं वो हमारे सहयोगी हैं, देश के अंदर बेशक शासक वर्ग हो लेकिन उनके साथ आपको कोऑपरेट करना। दूसरी ओर से भटकाव जो आई एक समय चीन से, बाद में उन्होंने दुरुस्त कर लिया चीन की पार्टी ने, लेकिन वो भटकाव आ गया कि फोकल कॉन्ट्रडिक्शन को सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन बना दिया, यानी इंपीरियलिज्म वर्सेस थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसको सेंट्रल बना के जब दुनिया की नक्शा ड्रॉ करते रहे तो तब आ गया आपका मतलब सोशल इंपीरियलिज्म का थ्योरी भी सोवियत संघ के बारे में, और तब आ गया कि शासक वर्ग जो है आजाद जो नए हुए देश, वहां के शासक वर्ग के चरित्र पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यानी इन अंतर्विरोधों को, ये बात हम देख सके, किसी भी समय दुनिया में आज भी आपके नेपाल में हमारे भारत में कई सारे अंतर्विरोध होंगे,
लेकिन इस अंतर्विरोधों में से कौन सा है आज के दिन जो मुख्य अंतर्विरोध जिसका रिजॉल्व किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी क्रांति आगे नहीं बढ़ सकती, उसका पहचान सही ढंग से ना हुआ तो बहुत भारी गलतियां हो सकती। और उस समय वो दक्षिण प्रांतीय भटकाव के चलते हुए हुआ क्या? भारत के अंदर ये नारा लगा नहीं, लेकिन मतलब वही था, मार्क्सवाद लेनिनवाद नेहरूवाद। इजिप्ट में तो ये नारा भी लगा, मार्क्सवाद लेनिनवाद नासरवाद। इंडोनेशिया में नारा लगा, मार्क्सवाद लेनिनवाद सुकार्नोवाद। यानी जो नए आजाद देशों के जो शासक वर्ग बने नए हैं, उनको भी आप अपने सिद्धांत के साथ जोड़कर कोलैबोरेटर्स बन गए। वो दक्षिणपंथी डिविएशन था, रिविजनिस्ट। लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्शन को गलत समझते हुए, फोकल कॉन्ट्रडिक्शन ही सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन, उसके चलते हुए इंपीरियलिज्म थर्ड वर्ल्ड को आपने जो वो सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन बनाकर चीन की जो बात आई, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो आजाद देशों की जो शासक वर्ग है वो सिर्फ कठपुतली है साम्राज्यवाद के, और लोगों के हाथ में अगर हथियार होते हैं और पीपल्स वॉर अगर छेड़े हम तो क्रांति आसानी से सफल हो जाएगी। गलती वो दक्षिण वो है आपकी वामपंथी भटकाव, लेफ्ट डिविएशन, राइट डिविएशन, लेफ्ट डिविएशन। अब लेफ्ट डिविएशन का मतलब क्या था कि अंडर एस्टिमेट क्या कर रहे थे आजाद देशों के अंदर जो नए शासक वर्ग बने आजादी के बाद, उनका अपना एक सामाजिक आधार है, उसका अपना एक जुड़ाव है, मतलब समाज के बहुत बड़े तबके के साथ। आखिरकार आजादी की जंग में वो नेतृत्व दिए थे, अब उनको दरकिनार करके कहना कि उनका कोई सामाजिक आधार नहीं है, वो सिर्फ कठपुतली है साम्राज्यवाद का, तो उसे बहुत भारी गलती हुई। पीपल्स वॉर हो गया, इंडिविजुअल एनिहिलेशन की बात हो गई हमारे देश के अंदर, जो पहले नक्सलाइट भटकाव कहते थे, बाद में माओवादी इस पे आए, बाद में चीन जो उस समय सपोर्ट किया था उसको, बाद में चीन ने सुधार लिया, कहा कि वो गलत मतलब समझ रहा है लेकिन ये ट्रेंड रहेगा। तो सबसे बड़ा अनुभव जो हमने सीखा इस पूरे दरमियान, जिस इस लड़ाई के अंदर, सिद्धांतिक लड़ाई के अंदर, इस सिद्धांतिक लड़ाई के अंदर से पैदा हुआ सीपीआईएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो यही बात कहते आई और आज भी हम कहते हैं, हर देश के अंदर जो क्रांति का रास्ता होगा उस देश के ठोस परिस्थितियों के आधार पर होगा। तो हमने कहा इंडिया में ना रशियन पाथ होगा ना चाइनीज पाथ होगा, इंडिया में होगा तो इंडियन पाथ होगा, और इंडियन पाथ के लिए क्या है एनालिसिस हमारे रूलिंग क्लासेस के, और उस रूलिंग क्लासेस के एनालिसिस के आधार पर हमारी क्रांतिकारी आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगी, क्या स्टेज है रेवोल्यूशन का, और उसके नतीजे पे हम पहुंचे डेमोक्रेटिक स्टेज में। इस डेमोक्रेटिक स्टेज को हासिल करने के बाद ही जिसका हमने जो टर्मिनोलॉजी है पीपल्स डेमोक्रेसी, पीपल्स डेमोक्रेटिक स्टेट, और उसके बाद ही सोशलिज्म की स्ट्रगल शुरू होगी। तो इस पूरी लड़ाई के अंदर जो बात हमने जो सीखी कि इन अंतर्विरोधों को सही ढंग से पहचानना, उसके बारे में सही आंकलन करना, ये सबसे बड़ी एक अनुभव है जो हम समझते हैं कि कम्युनिस्टों के लिए कहीं पर भी दुनिया में जो हो वहाँ पर ये इससे इस अनुभव से सभी क्रांतियों की यही अनुभव रही, और इस तरीके से ही आगे बढ़ सकते हैं, ये एक हमारी एक्सपीरियंस का नतीजा निकला। लेकिन खैर उसके बाद सीपीएम बनी, भारत के अंदर सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में वो उभर आई, और क्योंकि कॉमरेड डीएमएस नंबरी पाद का नाम लिया था, मैं एक बात बता दूँ, उस समय जब सीपीआई सीपीएम अलग हुए, पहले दोनों की सातवीं कांग्रेस हो रही थी और दुनिया की सभी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि लीडर लोग सीपीआई के कांग्रेस में आए थे, तो किसी पत्रकार ने कॉमरेड डीएमएस से पूछा उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप दुनिया के सब नेता तो उधर है उनके साथ, तो आपके साथ कौन है? तो डीएमएस का जवाब था कि हमारे साथ भारत की जनता है, तो जनता हमारे साथ है, विदेशी नेता वहां पे हो सकते हैं कि जनता हमारे साथ है, कि वास्तविक परिस्थिति को समझते हुए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। खैर इसके बाद जो अगली जो मुख्य बात आई, एक सबसे बड़ी पार्टी बनी, तीन राज्यों में चुने हुए सरकारें बने, बंगाल केरला और त्रिपुरा में, पार्लियामेंट में तीसरे नंबर पे थी सीपीआईएम,
लेकिन उसके बाद जब इस दौर से साथ साथ जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ, उसका असर पूरे दुनिया में उस कम्युनिस्टों पर, कम्युनिस्ट आंदोलन पर पड़ा, हमारे यहाँ पर भी पड़ा। लेकिन हमारे ये बैकग्राउंड की वजह से, ना रशियन ना चाइनीज और इंडियन बात के चलते हुए, हमें उतना नुकसान नहीं हुआ था उस वजह से। लेकिन उसकी आखिरकार हुआ क्या, उस विश्लेषण में बहुत सारे वाद विवाद पैदा हुए। आखिरकार 70 साल के बाद सोवियत संघ की कोलैप्स क्यों हुई, अब उसके बारे में हमारी विश्लेषण के आधार पर हम नतीजे पहुंचे कि सोवियत संघ का बिखरना या समाजवाद को वहां से खत्म होना, ये ना मार्क्सवाद के विचारधारा में, ना समाजवाद की उद्देश्य में कोई गलती है। ये आज भी उतने ही प्रासंगिक है विचारधारा के रूप में, मार्क्सवाद लेनिनवाद के साथ जुड़ा हुआ और समाजवाद का आइडियल। तो गलती इसलिए नहीं हुआ कि उस सिद्धांत में कुछ गलती थी, उस सिद्धांत को लागू करने में और समाजवाद के निर्माण करने में गलतियां जो हुई, उस गलतियों के चलते हुए सोवियत संघ का पतन हुआ। और इसके अंदर चार मुख्य बातें हमने जो नोट की थी, पहली जो समाजवादी जनतंत्र का मतलब क्या, आप डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट कहते हो, प्रोलेटेरियट एक क्लास है, क्लास का डिक्टेटरशिप बदल गया क्लास के वैनगार्ड का यानी पार्टी का, पार्टी का डिक्टेटरशिप बदल गया पार्टी के लीडरशिप का और फिर जनरल सेक्रेटरी का, और फिर अगर ये हो गया तो आपका डिक्टेटरशिप तो प्रोलेटेरियट का गया, मतलब वो क्लास तो वही रह गई। अब ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसके चलते हुए अलगाव लोगों के बीच में और पार्टी के बीच में बढ़ गया। और क्लास कैरेक्टर हो, डेमोक्रेसी की बात हो या इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट्स भी हो, जो बहुत बड़े बहस के साथ अब लोग ये कहते हैं 70 साल के बाद सोवियत यूनियन खत्म हो गई, ये कैसे हुआ, हमने तक सवाल ही गलत पूछते हो आप। सवाल ये है असली सवाल कि 70 साल समाजवाद कैसे जिंदा रखा उन्होंने, यानी गलतियां जो कर रहे थे उनको सुधारते पहली साल में ही वो लुढ़क सकती थी, वो ब्रेस्ट लेता ट्रीटी जो लेनिन अगर नहीं करता, ट्रॉस्की कह रहा था मत करिए, हमारा जमीन क्यों दे जर्मनी को, लेनिन कहता अभी तो तुम सिविल वॉर से मतलब निकल के आ रहे हो, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अब सोवियत आर्मी में कोई ये नहीं है फाइट करने की क्षमता, और जर्मनी को वो ना देने के लिए एक छोटी सी टुकड़ी पूरी की पूरी तुम्हारी क्रांति को ही वो खत्म कर देंगे, तो टैक्टिकली ये मूव करना। तो हर बार ठोस परिस्थितियों की ठोस विश्लेषण, इस बात पे आ रहा हूं, वो है हमारी दूसरी सफर। हर समय पर ठोस परिस्थितियां जो है उसका ठोस विश्लेषण अगर नहीं होता तो बहुत भारी गलतियां हो सकती। सोवियत संघ का उदाहरण उसी दे रहा था, ब्रेस्ट लिटोव्स का ठोस परिस्थिति उस समय यह था, एक और जंग में उस समय की रशियन आर्मी का लड़ नहीं सकती थी, वो हालत था। एक छोटा सा पार्ट जो जर्मनी मांग रहा था, अगर वो ना देते उसके ऊपर जंग होता तो पूरी समाजवादी खत्म हो सकती। तो वो असेसमेंट जो करना था उसके अंदर मतभेद आए, बड़े बड़े नेता, ट्रॉस्की तो जमाने में रेड आर्मी का मतलब चीफ था, हेड था, ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन अब इन दोनों के बीच में भी ये मतभेद जो आए तो रिजॉल्व करके सही डिसीजन लिया, उससे बच पाई। तो ये जो विश्लेषण हुए इसके चलते हुए हमारे भारत के अंदर भी कम्युनिस्ट आंदोलन पर असर पड़ा, सीपीआई का सब पर और बाकी, और असर के साथ साथ ये भी एक एक्सपीरियंस रहा जिससे बाकी जो दोनों भटकाव थे, वामपंथी या दक्षिणपंथी, इन दोनों भटकावों ने भी बहुत कुछ सीखा इस अनुभव से, और वो हम समझते हैं पॉजिटिव हुआ, वो पॉजिटिव हुआ ताकि वो उसके चलते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन में आज जो है एक कॉमनैलिटी बहुत बढ़कर आगे आ रही है। और मैं कल परसों की बात है, तीनों जनरल सेक्रेटरी सीपीआई के, सीपीआई एमएल के, माले के और मैं, कॉमरेड सुधाकर रेड्डी, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य और हम तीनों मिलकर एक संयुक्त जो आंदोलन में की शुरुआत जो है वहाँ पे करके तब हम यहाँ पे आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, मतलब इससे जो है सिद्धांतिक रूप से ये सुधरा, लेकिन बहुत महंगा प्राइस देकर अब जो है हमें सुधरना पड़ रहा है, इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं इकट्ठा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सोवियत यूनियन की वो पतन होने का भी वो एक्सपीरियंस के बाद
आता है कि अब भारत के अंदर हमारी क्रांति को आगे ले जाना है, तो वहां की ठोस परिस्थितियां क्या है, उसका क्या ठोस विश्लेषण है आपका? अब वहां के जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है संविधान का, उसी के ऊपर हमले शुरू होने लगे 1990s के दशक में, जब से वाजपेयी की सरकार आई, वाजपेयी साहब की सरकार आई। और ये हमारा मानना ये था कि ये संवैधानिक ढांचा जरूरी है क्रांतिकारी आंदोलन को भी आगे ले जाने के लिए, अगर इसको कमजोर करेंगे तो ये आंदोलन आगे नहीं जा सकता, तो उसको बचाना जरूरी है, लोगों की जनवादी अधिकारों को बचाना। तो उसके लिए संयुक्त बाकी जितने भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उनके साथ मिलकर चुनावी क्षेत्र में हम जो है कोऑपरेट करते थे, ताकि इस ताकतों को तो रोकूं, क्योंकि आज आपको हम सबको भी समझ रहा है मतलब कि आखिरकार इस तरीके की ये सांप्रदायिकता का जो आज जोर जो है भारत के अंदर पॉलिटिकल राइट का, जो हिंदू आप इसको हिंदुत्व मतलब ये चैलेंज कहिएगा, ये जो भी नाम दे इसको, एक पॉलिटिकल राइट का एसेंडेंसी भारत के अंदर अब है। और ये एसेंडेंसी क्या अचानक पैदा हुआ? नहीं, ये एसेंडेंसी ये एक्चुअली ये देखे आप तो तकरीबन 100 साल की इसका एक विचारधारा संघर्ष का एक हिस्सा है ये, जो भारत के अंदर चल रहा था। भारत के स्वतंत्र आंदोलन में एक सवाल पैदा हो गया था कि आखिर आजाद भारत का चरित्र क्या होगा, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके अंदर एक व्यू पॉइंट और डोमिनेंट व्यू पॉइंट आया था जो कांग्रेस की तरफ से, कि इतना डाइवर्सिटी है इंडिया में, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस वगैरह, अब इस सबको इकट्ठा रख कर एक देश को और मजबूत बनाना है उस देश को, तो बिना सेक्युलर डेमोक्रेसी के संभव नहीं। सो इंडिपेंडेंट इंडिया को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में होना चाहिए। कम्युनिस्टों ने क्या कहा, बिल्कुल सही है वो बात, लेकिन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तक सीमित नहीं रह सकते हम। जो राजनीतिक आजादी हमें मिलेगी ब्रिटिश से, वो राजनीतिक आजादी को जब तक आर्थिक आजादी में नहीं बदलेंगे हर व्यक्ति के भारत में, ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक फाउंडेशन भी आपका मजबूत नहीं होगा, उसी के ऊपर हमले आएंगे। तो सोशलिज्म के लिए संघर्ष जो है सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना के बाद ये कंटिन्यू करना है सोशलिज्म के लिए। वहां पर टकराव आया कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच में, खैर लेकिन दोनों के बेसिक पोजीशन तो यही था कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन इसके विरुद्ध में तीसरा एक विजन पैदा हुआ था। उनका कहना यह था कि इंडिपेंडेंट इंडिया या आजाद भारत, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर तय होगा लोगों की धार्मिक भावनाओं के आधार पर। एक तरह से पैदा हो गया मुस्लिम लीग का इस्लामिक स्टेट, दूसरे तरह से पैदा हो गया आरएसएस का हिंदू राष्ट्र। अब इन दोनों का मकसद यही था कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को खत्म करके एक रिलीजियस थियोक्रेटिक स्टेट का स्थापना कर। आजादी के समय पार्टीशन के बाद इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान बन के थोड़ी हद तक मतलब वो वापस हासिल हुआ, अफसोस की बात है भारत की मतलब इस तरीके से पार्टीशन हुई, लेकिन खैर अब वो इतिहास है, अब वो हो चुका है। लेकिन भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र के रूप में ट्रांसफॉर्म करने वाले की उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। भारत की आजादी का आंदोलन स्पष्ट रूप से कहा कि भारत आजाद भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, उसी के आधार पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना गया, लिखा गया और अडॉप्ट हुआ। अब कई लोग ये गलत फहमी देते हैं कि उसी समय ये संघर्ष खत्म हो गया, यानी हिंदुत्व राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की बात जो कहने वाले हैं वो संघर्ष खत्म हो गया, क्योंकि उस समय गुस्से में वो तत्व जो है महात्मा गांधी की हत्या की, हत्या के बाद आरएसएस का बैन हुआ, बैन के बाद लोग समझ रहे थे कि वो कमजोर हो गया, अब उतना चुनौती नहीं है। लेकिन अब जो हो रहे देश के अंदर उससे पता चलता है कि ये हर समय ये चुनौती रहा है, हर समय ये टकराव रही है, और यही है सिद्धांतिक संघर्ष आज भारत में जो हो रहा है। क्या भारत की छवि, भारत की चरित्र एक
धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य के रूप में बचा रहेगा या एक हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में ये बदलेगा। ये है आज मेन पॉइंट। ठोस परिस्थितियों की ठोस विश्लेषण देखे आप तो ये है खतरावान। अब इस खतरे से हमारी जनवादी क्रांति के लिए, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के लिए, उसके लिए ये ढांचा, सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस का ढांचा, इसको बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर ये जनतांत्रिक अधिकार है हमारे हाथ में, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं जन आंदोलन के द्वारा। तो अब ये टकराव जो आ गई, ये मुख्य रूप से ये टकराव आई, और वहां पर हमारे पिछले 10 साल के जो अनुभव अगर आप देखें तो आज कमजोर क्यों हुई है कम्युनिस्ट आंदोलन आपके मतलब इंडिया में, उसके बारे में और भी पॉइंट्स है, मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन एक मुख्य पॉइंट है कि आज जो पॉलिटिकल राइट है, जो पॉलिटिकल राइट है इंडिया में, जो ये दक्षिणपंथी ताकतें हैं जो भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में, उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन आज सिद्धांतिक रूप से, संगठनात्मक रूप से और टक्कर लेने वाली जिसके अंदर क्षमता है वो है लेफ्ट और कम्युनिस्ट। तो मेन अटैक जो है उनका, उनकी तरफ से होता हमारे हमारे को निशाना बनाकर। अब इस अटैक का सामना करना, उस समय दो मतलब तरीके से अटैक की बात जुड़ गई थी बंगाल में, जब वहां पे वामपंथी सरकार हार गई और वहां पे तृणमूल कांग्रेस का सरकार आया, उसके बाद भी ये फिजिकल अटैक्स हमारे कार्डर पर ये बढ़ते गया। तो दोनों तरफ की अटैक्स जो है फिजिकली हमारे लोगों पर, मतलब इसको समझने के लिए मैं आपको कैसे कौन सी उदाहरण दूं, कई सारे होते हैं ना, लेकिन अभी देखिए चुनाव हुए आपके लोकल बॉडीज के बंगाल में, त्रिपुरा में, दोनों जगह त्रिपुरा में जो इलेक्शन हारने के बाद जो लोकल बॉडीज के चुनाव, त्रिपुरा में 99% सीटों में बिना कंटेस्ट के बीजेपी जीता, बंगाल में 34% कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिना कंटेस्ट तृणमूल कांग्रेस जीता। और ये होता कैसे, फर्ज करो आप हो कैंडिडेट एक लोकल बॉडी के लिए, आपके घर पे पहले पहुंचते हैं कि कहते हैं कि भाई तू अपना नॉमिनेशन नहीं दे सकता, आप फर्ज करो कि उसका सामना करते हुए डटकर मुकाबला करके हिम्मत दिखा के आप जाके नॉमिनेशन भरने की कोशिश की, वहां पर आपको रोकेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। अगर इसके बाद भी आप भर दिया नॉमिनेशन, तब फिर पहुंचते आपके घर पे और घरवाली के पास जाते हैं एक भेंट लेके, एक तोहफा, और तोहफा क्या है, एक सफेद साड़ी, कहते हैं कि आपके आदमी से कहिए कि यहां से आप विड्रॉ कर ले, नहीं तो ये है आपका भविष्य। या कहीं पर कहते हैं आपके दो जवान बेटियां हैं कॉलेज जा रहे हैं, आप जानते हो क्या हो सकता है। अब ये एक, ये सिर्फ फिजिकल अटैक्स ही नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल मतलब एक ये जो है अटैक्स, ये इस तरीके से माउंट होते हैं। और जहां पर ये सब छोड़कर कॉमरेड लोग जो हिम्मत दिखाए, एक हस्बैंड वाइफ दोनों हमारे सक्रिय कार्यकर्ता थे और दोनों कैंडिडेट के लिए बाहर विड्रॉ नहीं किया इन सब धमकियों के बावजूद, तो आकर उनके उनके घर को जिंदा जला दिया और दोनों को जिंदा जला दिया साथ। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप समझिएगा हमारी जिस परिस्थितियों में हम हैं, और ये इस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते हुए चुनावी तौर पर हमारे आंकड़ों के अंदर आप देखेंगे गिरावट है, ये वास्तविकता है। जो 2004 में जो 61 जो वामपंथी सांसद थे लोकसभा में, आज वो उतर कर अब आए हैं 12 के करीब, तो वो तो नेचुरल गिरावट तो है ही। जो 3 राज्य सरकारें होते थे अब एक है केरल, और केरल के अंदर भी इस सरकार को आज डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, वो सबरीमला वो जो मंदिर का सवाल, उस मंदिर में महिलाओं के जाने की अधिकार होनी चाहिए या नहीं, ये है विवाद। सुप्रीम कोर्ट में जो महिलाएं गए कहते हुए कि हमारा भी अधिकार है, संविधान कहता बराबर ही, तो बराबर की अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही, बराबर की अधिकार होनी चाहिए, ये संविधानिक ढांचा है, तब वो वेलकम करते हैं उस वर्डिक्ट को, बाद में देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ सपोर्ट मिल सकता है इमोशनल,
तो उसको इस्तेमाल करके अब कॉन्फ्रंटेशन की परिस्थिति तैयार की ताकि इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टर्बलाइज करने की कोशिश की। तो ये सब चैलेंजेस है, इससे जो हमें सीखना है कि लेकिन मुख्य रूप से आज इन तत्वों को, इन ताकतों को हमें सत्ता से अलग रखना जरूरी है, वरना देश के अंदर ये जनता की जनवादी क्रांति या डेमोक्रेटिक स्टेज हमारे रेवोल्यूशन का उसके अंदर आगे बढ़ना है तो वो मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी ओर से जन आंदोलनों की जोर जो है वो मजबूत हुई है, संयुक्त जन आंदोलन हो रहे हैं अब सभी वामपंथी पार्टियां और खासतौर से तीनों कम्युनिस्ट पार्टियों का, जैसे मैं बताया था आपको, और ये जन आंदोलन के चलते हुए देश के सामने और हमारे सरकारों के सामने एजेंडा जो रखा जा रहा है इन आंदोलन के थ्रू, उस एजेंडा का प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है। यानी चुनावी और इलेक्टोरल यार्ड स्टिक से देखो आप तो कमजोरी है लेफ्ट की, स्ट्रगल्स और संघर्षों के यार्ड स्टिक पर देखो लेफ्ट की एसेंडेंसी में है। तो ये दोनों बातें आज की परिस्थिति है। लेकिन अब इसके अंदर आज की परिस्थिति में अगर इसको भी हमें हासिल करना है, जो ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण की बात जो हमने कही उसको ध्यान में रखना है, तो हर समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की ठोस परिस्थिति क्या है, उसका असर जो अपने मुल्क पर पड़ता है, अपने देश पर, उसी के आधार पर हमारी कार्यनीति भी तय होती होनी चाहिए। आज दुनिया के अंदर जो हालत है उसके अंदर जरूरत क्या है, ये पूंजीवादी व्यवस्था का ये संकट अब 10वीं साल में पहुंच चुका है। अभी तक ये संकट से कोई समाधान पूंजीवादी व्यवस्था में है ना होगा, हमारा ये मानना। आज खुद उन्हीं के सिद्धांतकार कह रहे हैं कि नियोलिबरलिज्म का आज ये डिफीट है। यानी नियोलिबरलिज्म जो पूरा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, अब ये सब कुछ जो ओपन कर दिया था और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिसका मकसद था, वो जो पिछले 10 साल से जो रूल कर रही थी, आज दैट इज इन ए डीप क्राइसिस। स्टिग्लिट्स कहता है, जो स्टिग्लिट्स जो उस समय एक था, मतलब एक चीफ मुख्य इकोनॉमिस्ट रहा उनके पक्ष में उस समय, खैर आज लेकिन ये क्राइसिस से गुस्सा लोगों के अंदर, असंतोष बढ़ रहा है पूरे दुनिया के पैमाने पर, और ये असंतोष जन आंदोलनों में उभर कर नजर आ रहा है, और खास तौर से आप देखेंगे लैटिन अमेरिका में जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लड़ाइयाँ चल रहे हैं, आज निकारागुआ में, आज ब्राजील में, आज इन सब जगह पर इसी ये जो आर्थिक न्यूलिबरलिज्म के पॉलिसी से वो जो ले आए, मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन जो बढ़ाया उसके विरोध में ये संघर्ष, जनसंघर्ष बढ़ रहे हैं। अगर ये जनसंघर्ष बढ़ते बढ़ते एक पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ और वहाँ के शासक वर्गों के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ एक राजनीतिक मूवमेंट में कंसोलिडेट होते हैं तो उनके लिए खतरा है, तो इसे ऐसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी परिस्थिति को टैकल करने के लिए आज पॉलिटिकल राइट का एसेंडेंसी हो रहा है पूरे इन सभी देशों। पॉलिटिकल राइट माने ये दक्षिणपंथी झुकाव जो राजनीति में जो बढ़ रही है, उसका मतलब क्या है कि जो असंतोष लोगों के अंदर बढ़ रहा है इन आर्थिक नीति और ये आर्थिक संकट के चलते हुए, उस असंतोष को एक वामपंथी आंदोलन के रूप में, एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में अगर ना बदलने देना है तो उस असंतोष को हमें लामबंद करना है। कैसे? ऐसे नारे देते हुए जिसके चलते हुए दक्षिणपंथी राजनीतिक झुकाव जो है ये मजबूत होगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब को ही ले लीजिए, क्लासिक एग्जांपल है पॉलिटिकल राइट का, जीत का। क्या कहा था उन्होंने? आई विल रिस्टोर द अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम जो है वाइट अमेरिकन मेल्स के लिए, वो ड्रीम जो है गायब हो गया। क्यों हो गया गायब? क्योंकि तुम्हारे नौकरियां विदेश से आकर ये बच्चे जो है आपके नौकरियों को छीन रहे हैं। अगर आपका अमेरिकन ड्रीम को रिस्टोर करना है तो इमिग्रेशन को रोको। स्किल्ड प्रोफेशनल्स आ रहे हैं दूसरे मुल्कों से, जो आपके नौकरियों को चोरी हो रही है, तो वीजा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाओ। मेक्सिको के साथ एक दीवार बनाओ ताकि कोई इलीगल माइग्रेशन ना आए। देश के अंदर जो माइग्रेंट से इलीगल लोग हैं उनके ऊपर ये अटैक्स जो है ये बढ़ना शुरू हुए, एक रेसिज्म और जेनोफोबिया और ये हेट्रेड की माहौल वहां पर बढ़ रही है। और दूसरी ओर से आर्थिक तौर पर क्या कर रहे हैं,
कि हम विदेश में सस्ता बनता है वही चीज जिसको हम खरीद के इंपोर्ट करते हैं, उसके वजह से अमेरिका के कारखाने बंद हो रहे हैं। तो विदेशी चीजें जो हम खरीदते हैं उसके ऊपर टैरिफ बढ़ाओ, और उसके चलते हुए ये ट्रेड वॉर्स शुरू हो गए हैं। अब अमेरिका और चीन, खासतौर पर चीन को टारगेट करते हुए, अब लेकिन ये ट्रेड वॉर्स शुरू हो रहे हैं आपके अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी, यानी इंटर इंपीरियलिस्ट कॉन्ट्रडिक्शंस भी है अब जो है बढ़ रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि यूजिंग मोस्ट रिएक्शनरी स्लोगन, डिविजिव स्लोगन टू डिवाइड द पीपल, ताकि वो लामबंद ना हो, एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप ना ले उनका असंतोष। अब ये है फ्रांस के अंदर मारी लापेन हो, जर्मनी के अंदर ऑल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड हो, या बाकी सब जगह पर ये के न्यू फैशिस्ट, मतलब ये तो मतलब उस तरीके की ताकतों का ग्रोथ का मतलब ये है कि ये जो डिसकंटेंट बढ़ रहा है आज दुनिया के न्यूलिबरलिज्म के खिलाफ और कैपिटलिज्म के सिस्टम के खिलाफ, उसको एक रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर में ना आने दो। सो उसको स्टॉप करने के लिए पॉलिटिकल राइटवर्ड शिफ्ट सब मुल्कों में नजर आ रहा। आप बड़े ऑनरेबल एक्सेप्शन है नेपाल में, आपके अंदर तो रिवर्स नजर आ रहा है, दिस इज वेरी गुड, लेकिन बाकी सभी मुल्कों में ये ट्रेंड है। अब ये पॉलिटिकल राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब ना सिर्फ राजकारी आंदोलन का प्राइमरी टारगेट तो बनाएंगे लेफ्ट को, लेकिन इस पॉलिटिकल राइटवर्ड शिफ्ट का असर इंडिया में भी, भारत के अंदर भी आज जो हमारी सरकार है वो भी एक राइटवर्ड शिफ्ट का ही असर है। एग्जैक्टली वही हो रहा कि वहां पर जो नारे लगाते हैं हमारी राजनीति में, हम कहते हैं कि ये इंडिया में आजकल इकोनॉमिक्स नहीं है, आजकल उसको हम कहते हैं जुमला नॉमिक्स, यानी सब जुमले है, मतलब हम दे देंगे 2 करोड़ नौकरियां सृष्टि करेंगे हर साल, अब एक भी उल्टा हो रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रहे हैं, ये सब बढ़ रहे हैं, लेकिन हर दिन एक नारा आ जाता है, मतलब नया नारा, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, मतलब ये, और दूसरी तरफ लूट मची हुई है देश की। 11.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे लिए हुए हैं कॉर्पोरेट्स हमारे देश के बैंकों से, जो लौटा नहीं रहे, जिनको लौटाने की दबाव आ रही है तो देश छोड़ के चले जा रहे हैं। अभी ये बहुत बड़ा स्कैम ये राफेल मतलब हवाई जहाजों को खरीदने के अंदर हुआ, जिसके चलते हुए ये पूरी घटनाएं घट रही है सीबीआई का वगैरह वगैरह पिछले 2 दिन से। तो ये जो संकट है, पॉलिटिकल राइटवर्ड शिफ्ट है, इसके अंदर लेफ्ट का आंसर क्या है? इस लेफ्ट के आंसर के लिए यही है कि जब ऑल्टरनेटिव पॉलिसी डायरेक्शन के आधार पर ही इस क्राइसिस ऑफ न्यूलिबरलिज्म का सामना किया जा सकता है। अब ये ऑल्टरनेटिव पॉलिसी पैकेज क्या, ये अलग अलग देशों में अलग अलग होगा नेचुरली, तो उनकी ठोस परिस्थितियों के आधार पर। जैसे इंडिया में हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव क्या है इंडियन लोगों को, सामने जो हम बता दें, ये 11.5 लाख करोड़, इसमें से अगर आधा भी वापस लिया सके सरकार और उसको इन्वेस्ट करे अपनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, तो करोड़ों के नए नौकरियां खुलेंगे उसके वजह से, उस इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, लोगों के नौकरियां मिलेगी, उनके हाथ में जो पैसा आएगा उनकी तनख्वाह के रूप में, वो जब खर्च होगा इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा और उसके आधार पर ग्रोथ होगी और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, ऑल्टरनेटिव है। अब इस ऑल्टरनेटिव्स के आधार पर ही इस पॉलिटिकल राइट का सामना कर सकते हैं, और वही हमारी कोशिश है हिंदुस्तान में, भारत के अंदर, और उसी के आधार पर ये संघर्ष जो है ये बढ़ रही है। लेकिन ये अब आज की कोशिश है, मतलब ये पूरा इतिहास ये बताते हुए भी है। तो इससे तीसरा पॉइंट जो हमने जो सीखा, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन की बात की थी पहले, बाद में कॉन्क्रीट एनालिसिस ऑफ कॉन्क्रीट कंडीशन, लेनिन बताते हैं कॉन्क्रीट एनालिसिस ऑफ कॉन्क्रीट कंडीशन इज द लिविंग एसेंस ऑफ डायलेक्टिक्स। तो अगर उस रास्ता ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण वो छोड़ेंगे तो बड़ी दिक्कतें गड़बड़े होगी। और तीसरी जो बातें हमने ये कही कि हर समय सिद्धांत और आपका अनुभव, ये दोनों ही मिलते हैं, थियरी एंड प्रैक्टिस, ये दोनों ही मिलते हैं, जिसको ग्रामशी ने शब्द इस्तेमाल किया प्रैक्सिस,
प्रैक्सिस मतलब वो उसका यही मतलब यही था कि प्रैक्सिस के अंदर थ्योरी भी है प्रैक्टिस भी है, लेकिन कौन सा सुपर कौन सा हायर है कौन सा लोअर है ऐसा नहीं है, दोनों बराबर है। तो अब प्रैक्टिस से थ्योरी को कैसे बदलना है वो नहीं सीखेंगे और सिर्फ थ्योरी को ही अड़कर पकड़े रहेंगे तो इस तरीके के भटकाव होंगे जो वामपंथी भटकाव होंगे। और सिर्फ प्रैक्टिस के आधार पर ही चलोगे और थ्योरी को छोड़ दोगे तो फिर दक्षिणपंथी भटकाव होगी। तो आपकी डॉगमेटिक या आपकी रिविजनिस्ट ये दोनों डिविएशन के लिए ये कॉम्बिनेशन थियरी एंड प्रैक्टिस का ये सही ढंग से करते हुए प्रैक्टिस के आधार पर थियरी को एनरिच करना और थियरी के आधार पर प्रैक्टिस को में जाना और वहां से सीख कर वापस आना, ये है डायलेक्टिक्स जिसको अक्सर मतलब हमारी अनुभव भी इंडिया के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत बार ये गलतियां की, अब इसको दुरुस्त करना ये जरूरी है हमें। और ये बात इसी के साथ जुड़ती है, आखिर में दो पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा, हमारे अनुभव जो हमने सीखे हैं जब पार्टी सरकार में होती है, अब ये थ्योरी प्रैक्टिस की बात मैं बता रहा हूँ उसी के साथ जुड़ते हुए, मार्क्सवादी हमारी विचारधारा है हमारा सिद्धांत है, सरकार बनी है और सरकार जब बन गई बंगाल में पहली बार तो ज्योति बसु खुद कहते थे कि भाई एक टर्म से ज्यादा तो रहना नहीं है। और पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों को पता है सबसे पहला काम ज्योति बसु बंगाल के चीफ मिनिस्टर होने के बाद जो किया वो था जेल रिफॉर्म। तो बोला कॉमरेड ये क्यों कर रहे हो जेल रिफॉर्म, कहते कि अब आगे तो हमें वही तो जाना है तो इससे जेलों को तू जरा जो दुरुस्त कर ले। किसी ने नहीं सोचा कि सात बार जीत गया, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी थी, कमजोरी थी हमारे शासक वर्ग की, अभी रोक नहीं पा रहे थे और हमारी अल्टरनेटिव नहीं थी जो थी उसी समर्थन मिल रही थी, लेकिन फिर गड़बड़ काम पे आती है। पहले कदम किया वो जेल रिफॉर्म्स के बाद आपके लैंड रिफॉर्म्स और आपका ग्रास रूट डेमोक्रेसी पंचायती राज, ज्योति बसु पंचायत राज इंट्रोड्यूस करके उसके चुनाव करवाने के 7 साल बाद राजीव गांधी ने संशोधन किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार और वो रूप दिया था। तो डेमोक्रेसी द ग्रास रूट एंड लैंड रिफॉर्म्स ताकि वो संबंधी प्रवाह जितने हैं वो खत्म किया, उसका असर बहुत बड़ा पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है बंगाल के अंदर, जो नेगेटिव प्रभाव करती थी इकोनॉमिक प्रोग्रेस एक्सेट्रा वो सब पॉजिटिव में बदले। लेकिन एक स्टेज आता है जब उसके गेन्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब लैंड रिफॉर्म्स किए आप, दो पीढ़ी पैदा हो गए उसके बाद, वही लैंड जो है जो 2 लोगों के नाम में था अब 8 लोगों के नाम में हो गया, और लैंड जब छोटा होता गया उसकी वायबिलिटी रही थी और ज्यादा से जो लोग उसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते थे तो उनकी पीपल सर्वाइवल के लिए उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए रास्ता क्या, आगे इसको कैसे बढ़ाना है, ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण। अब इस संकट में आगे हम सब पहचान रहे थे ये संकट है, लेकिन इसका समाधान क्या, अब समाधान यही है कि यही नौजवान जिसको आपने शिक्षा दिया आपकी सरकार ने, यही नौजवान जिसको आपकी सरकार ने अपने स्वास्थ्य दी बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था दी, अब उसको नौकरी नहीं मिलेगा तो उसको जितना भी सिद्धांत अब समझा दो मतलब वो तो चलेगा नहीं। अब उसको नौकरी देना है तो क्या औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन वही मार्ग है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करोगे दुनिया के अंदर ये ग्लोबलाइजेशन के दौर चल रहा है, विदेशी पूंजी आ रही है, क्या वामपंथी सरकार विदेशी पूंजी ले सकती है, क्या आप कॉम्प्रोमाइज करोगे कैपिटलिज्म के साथ कि इंपीरियलिस्ट के कैपिटल लोगे, तो ना कैपिटल लेना या ना लेना सवाल नहीं है। आज फिर वही अनुभव से सीखो चीन में क्या हो रहा है, सवाल यह है कि लेकर उनके सामने गुलाम होने की बात नहीं है लेकिन उसको इस्तेमाल करें अपने फायदे के लिए, जो इन्हें नक्सल अगर मैं कहूं तो चीन जो कर रही है वही है कॉन्ट्रडिक्शन चीन में, इंपीरियलिस्ट कैपिटल इंपीरियलिस्ट टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करने की कोशिश चीन की कम्युनिस्ट पार्टी फॉर स्ट्रेंथनिंग सोशलिज्म इन चाइना, इंपीरियलिस्ट कैपिटल एंड इंपीरियलिस्ट टेक्नोलॉजी जा रही है चाइना को टू अंडरमाइन सोशलिज्म इन चाइना, ये है द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड सोशलिज्म।
अब किस तरीके से प्रकट होगी, कैसे होगा, लेकिन अभी तक सतर्कता दिखा रहे, मतलब उनको तो सलामी तो देना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, सतर्कता दिखा रहे हैं, जो कमजोरियां आ रही है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन ये किस समय क्वालिटेटिवली बदलेगी वो हम में से कोई नहीं बता सकता, वहीं के कम्युनिस्ट जो है वो क्लोज रूप से जा रहे हैं। तो अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का ड्राइव जब शुरू हुआ बंगाल में, ये प्लान जब शुरू हुए, इस तरीके के पूरे संकट आ गए, अब आपके सामने भी आएंगे, आपकी सरकार के सामने आएंगे, यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसलिए वो लोग हमारे अनुभव में शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अपने 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 अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इसको टैकल करने की बात है, लेकिन वहाँ पर जो गलतियाँ हुई थी कि लैंड एक्वायर करें इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, और वही लैंड जो आपने दिया था किसानों को लैंड रिफॉर्म्स करके, और वही अब आप कह रहे हो कि हम वापस ले रहे हैं, तो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट उसका पूरा फायदा उठा। तो ये कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स मैं पेश कर रहा हूँ, मैं सोल्यूशन कोई दे नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे अगर हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अगर देखनी है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे आप त्रिपुरा में लीजिए, इस बार चुनाव हम हारे, उसके पीछे कई सारे कारण है जैसे पहले भी बताया था, लेकिन एक मुख्य कारण क्या था, पिछले 5 सालों में त्रिपुरा छोटा सा मतलब प्रदेश, वो इंडिया में नंबर 1 हो गई लिटरेसी लेवल्स के, केरला को सरपास कर गया, केरला से भी आगे हो गई। अब त्रिपुरा का नौजवान, त्रिपुरा के बच्चों को जो अपनी सरकार होने की वजह से जो शिक्षा मिली, अपनी सरकार होने की वजह से जो स्किल्स मिले, अगर वो शिक्षा और वो स्किल को इस्तेमाल नहीं करके नौकरियां नहीं मिलेगी तो वो यूथ क्या करेगा। अब मोदी आके कह दिया कि मैं आते ही जो है सरकारी नौकरियां बढ़ाऊंगा, या कुछ नहीं, अलग बात है, मतलब उनकी सरकार आएगी, लेकिन अब आप नारे इस तरीके से दे दो कि भाई हम नौकरियां दे देंगे, हम ये बता देंगे, तो अब वो जो एस्पिरेशनल यूथ है वो उसका शिकार बन सकता है, बनेगा, बना। तो इन तरीके की प्रॉब्लम्स को जैसे वो आ रहे थे उसको टाइमली करेक्टली उसके अंदर आप इंटरवीन करके उसको सुधारने की जो कोशिश देखी हुई है, वो गलतियां हैं जिसके वजह से हमारे राजनीतिक दुश्मनों को, उनको जो है मौका मिला, समय मिला खिलाफ जो है ये आंदोलन करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर आज एक और बात मैं कहना यही चाहूँगा कि एक और किसी भी गलती जो भी, ये अक्सर होती है और ये होनी नहीं चाहिए, ये रूस के अंदर भी हुई है, समाजवादी देश था, पूंजीवादी देश के अंदर 3 पॉकेटों में कम्युनिस्टों की सरकार थी इंडिया में, अब उसी क्रांति भी मतलब हासिल नहीं कर पाए जैसे मैं पहले कह रहा था, लेकिन गलतियां जो है वो थी, वो कैसे कि एक बार सरकार में लंबे समय तक रह जाओ आप, तो पार्टी का जो मिशनरी है उससे ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक मिशनरी पे रिलायंस बढ़ता, ये बहुत खतरनाक, मैं रिकमेंड शेयर कर रहा हूँ सबसे, इसका हम प्राइस पे कर चुके हैं, और ये मतलब ये होता है। इसलिए आज जो देख रहे हैं आप बाकी दुनिया में भी, जहां जहां पर ये जन आंदोलन बढ़ रहे, पीपल्स मूवमेंट बढ़ रहा है, लैटिन अमेरिका हो या यूरोप हो, ग्रीस में बड़े बड़े जनरल स्ट्राइक्स हो रहे हैं मतलब रेगुलरली, स्पेन में पोडेमॉस करके एक नया कोएलिशन बना, अब ये तो ये लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टीज, नॉन कम्युनिस्ट लेफ्ट प्रोग्रेसिव पार्टीज, ये लोग सब कोएलिशंस में अब आ रहे हैं, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है दुनिया के पैमाने पर उन मुल्कों के अंदर। तो ठोस रूप से हमें हमारे अनुभवों से मतलब आज के दिन ये सीखे कि अब भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स और दिक्कत से ज्यादा चैलेंजेस, और आज की वर्तमान परिस्थिति में इमीडिएट चैलेंज यही है कि ये सरकार जो राइट विंग सरकार है इंडिया में, अब चुनावों की तैयारी हो रही है, उस चुनाव के अंदर हमने तय किया हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने, जिस बात को बाकी दो मतलब CPI और CPIML ने मतलब उससे सहमति उन्होंने भी बताया कि हमने 3 नारे दिए, पहला है डिफीट द BJP एंड इट्स अलाइज, दूसरा है स्ट्रेंथन द CPM एंड द लेफ्ट इन द पार्लियामेंट, तीसरा है टू वर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल्टरनेटिव सेक्युलर गवर्नमेंट इन द सेंटर।
यानी इस आज की सरकार के मतलब इस राजनीतिक ट्रेंड को ये पॉलिटिकल राइट को हराना, लेफ्ट की ताकत को बढ़ाना पार्लियामेंट के अंदर, और तीसरा एक वैकल्पिक एक धर्मनिरपेक्ष यानी एक सेक्युलर सरकार की गठन करना सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो अब ये संघर्ष है, नया दिशा में हम एंटर कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी राजनीतिक बैटल होगी इंडिया में, और वो राजनीतिक बैटल तय करेगा आने वाले दिनों में इंडिया का ही क्या डायरेक्शन होगा, किस तरफ इंडिया जाएगी और उसका रोल क्या होगा। क्योंकि पिछले 4 साल के डायरेक्शन लिए तो इंडिया की रोल मतलब अब चलिए पड़ोसियों के बारे में बात ना करें तो बेहतर है, मतलब आप सभी जानते हैं क्यों क्या हो ये बात, मतलब इस सरकार के नजरिए से मतलब हमारी नजरिए से नहीं, मतलब जो अब इसको छोड़कर। तो ये कॉमरेड हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस आज के दिन में है, और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जितनी हमारी पूरी कोशिश हो रही है, और उसी कोशिश के आधार पर ये पूरे अनुभव जो 100 साल के तकरीबन सीखते हुए इसे क्रिस्टलाइज करने की बातें, तो अगर समराइज करें तो कि जो मिलियंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जो होते हैं उनमें से आइडेंटिफाई करना विच इज द मेन एंड हाउ टू मूव ऑन दैट ताकि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए, कॉन्क्रीट एनालिसिस ऑफ कॉन्क्रीट कंडीशंस वो हुए यार्डस्टिक जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सके, एंड तीसरा प्रैक्सिस को मजबूत करते हुए थियरी प्रैक्टिस थियरी मीन ये डायलेक्टिकल रिलेशनशिप इसको मजबूत करते हुए, और इमीडिएटली हमारे ठोस जो प्रॉब्लम्स आए हैं हमारे अनुभव से उसको टैकल करना, टाइमली टैकल करना, नहीं तो डिले करने से जो नुकसान जो होती है, ये मुख्य बातें हैं जो हमारे अनुभव से हम जो है सीख रहे हैं। सिर्फ एक ही बात आखिर में बता दूं कि कोई अगर मेरे को आज सुना होगा या पहले भी कम्युनिस्ट आंदोलन की कोई इतिहास के बारे में कोई पढ़ा होगा, और हमारे देश में हमारे दुश्मन राजनीतिक दुश्मन तो ये बात हर समय कहते हैं कि इतने सारे गलतियां किया वो कोई पार्टी है तो वो कम्युनिस्ट ही है, मतलब क्यों हर बार कहते हैं कि उस जमाने में गलती हुई, तो उसका जवाब मैं देता हूँ कि गलती की ये बात कहे कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि गलती की वो सिर्फ कम्युनिस्ट ही करता है, आप में से कोई नहीं करता और बाकी पार्टियों को, लेकिन गलती करना कोई गलती नहीं है। स्टालिन ने एक जमाने में कहा, उसे पूछा गया था स्टालिन से बताइए कौन सा है व्यक्ति जो गलती नहीं करता, उसने कहा कि भाई ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा एक किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके डेफिनेशन में आ सकते हैं गलती नहीं किया, वो कहता वो ऐसे व्यक्ति है जो कोई काम भी नहीं करता, अगर काम करते हो तो गलती होगी, गलती होना गलती नहीं है, गलती को ना पहचानना गलती है, गलती को ना सुधारना गलती है, गलती को दोबारा ना करें ऐसी परिस्थितियां ना ले आना वो गलती है। तो इससे हमें सुधर कर हमें सतर्क रह के हमें आगे बढ़ना है, लेकिन ये इन नक्शल जो हमारी एक्सपीरियंस का एंड रिजल्ट है आज के दिन हमारा टास्क जो है ये है उन्हें नक्शल जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो थैंक यू गवर्नमेंट, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी हमें दिया, बहुत अरसों के बाद नेपाल आने का मौका मिला, लेकिन नेपाल जब भी आता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं घर वापस आ रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ऐसी कोई ये नहीं है, और हर बार हम यही कहते हैं कि नेपाल और भारत के लोगों के बीच में हम लोग भाई जरूर है लेकिन कोई बड़ा और छोटा कोई नहीं है, हम जुड़वे भाई हैं, और जुड़वे भाइयों की एक खासियत होती है, एक जुड़वे भाई को दुख होता है तो दूसरों को महसूस होता है, एक जुड़वे भाई अगर खुशी होती है उसके साथ तो दूसरे को भी महसूस होता है। भारत और नेपाल के लोगों की ये है संबंध, और इस संबंध को हमें मजबूती से आगे ले जाने की जरूरत है। ये मौका जो दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।